नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि फरवरी के माह में आप इस इंसान के साथ बिल्कुल भी मत रहना। जी दोस्तों, इनकी बातों पर बिल्कुल भी आपको नहीं चलना है। चाहे ये कितना भी जिद क्यों ना करे, चाहे कितना भी आपको कोई लालच दे, लेकिन दोस्तों इनकी बातों पर आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये आपके जीवन को ख़त्म करना चाहता है या चाहती है। बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको जो सच्चाई पता चलने वाली है सुनकर आपकी सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा से लाइक सर्वप्रथम जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी 3 बार आपको ज़रूर लिखना है। दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी दिल से यह भावना या प्रार्थना माता स्वीकार करेंगी और एक बड़ी खुशखबरी आप सभी को देंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दें कि ये जो स्त्री है, ये जो लोग है, ये इंसान जो है, आप सभी के जीवन काल में आपके घर में बुरी आत्मा को छोड़ दिया है। और दोस्तों पिछले कई समय से ये आपके पीछे लगा है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं का नतीजा है कि आपके घर में परेशानियों का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहकर भी अपने घर को फिर से पहले की तरह खुशियां नहीं दे पा रहे हैं। आप लगातार दिन और रात मेहनत करते हैं, दिन और रात संघर्ष करते हैं कि आपका जीवन पुनः अच्छा हो जाए। लेकिन दोस्तों जहाँ आप सभी के जीवन काल में एक खुशियाँ आती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी दुख भी आ जाता है, जिनसे आपकी वह खुशी भी आपको जाहिर नहीं हो पाती अच्छी तरह से और वह दुख में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका जीवन नर्क के समान होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब बहुत हो गया। जी हाँ दोस्तों, सफलता का मुंह तो आपने पता नहीं कब देखा है। जी हाँ दोस्तों, सफलता आपके सामने पिछले कई सालों से आए ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ये सब करने वाला कोई नहीं है, ये आपका अपना ही है जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान करता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी इसे बुरी आत्मा आपके ऊपर शक्ति छोड़ देती है, तो दोस्तों यह आदमी फिर दोबारा से आपको एक नया टोटका, एक नया जादू टोना करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी आप किसी गुनी मंत्र के द्वारा, किसी ओझा गुनी के द्वारा अपने ऊपर से इस विधि को हटवाते भी हैं, तो दोस्तों यह इतना जिद्दी है कि आपके ऊपर कोई और षड्यंत्र करती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह बार बार आप सभी के ऊपर नया नया टोटका आजमा रहा है। और दोस्तों इसका नतीजा यह है कि आप लगातार कई वर्षों से परेशानियों में जूझते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को सारी बातें बताने वाले हैं, इनका समाधान भी बताएंगे। और दोस्तों वीडियो में हम जो भी बात आप सभी को बताने वाले, अंत तक वे सभी बातें बेहद ही आवश्यक है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई है, आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने की इस वीडियो में क्षमता है। इस वीडियो के अंदर जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आधा अधूरा में ही छोड़ देते हैं और कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमें यह बात समझ नहीं आ रही है, पूरी बात हमें समझ तो आई ही नहीं, आप क्या बता रहे हैं। हम आप सभी को बता दें कि जो व्यक्ति ऐसा अधूरा ज्ञान लेता है, वो आगे चलकर और भी मुसीबत में पड़ता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान संकट के ही समान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो को इसलिए आप सभी के संदर्भ में लाए हैं कि ताकि आप समस्त ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन काल से सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को आज अंत तक ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको इस बुरी आत्मा का हर एक संकेत बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके घर में है, इनका होने का कौन सा संकेत है, कौन सा लक्षण है, सभी बातों के बारे में हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ उस बुरी आत्मा से आपको छुटकारा करने के उपाय भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये दोस्तों बहुत ही उपयोगकारी मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को आप ध्यान से कीजिएगा। गलती से भी कोई इंसान इस मंत्र को कर देता है, तो उनके जीवन में
खुशियाँ ही खुशियाँ आती है और सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ जड़ से ही खत्म कर देती है। जी हाँ दोस्तों, और उस इंसान का भी हम आपशिबी को नाम बताने वाले हैं जिसने आपके ऊपर या बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमने यह बात आपशिबी को कहा है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं। इसलिए मानव को हमेशा वो सब कुछ मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य नहीं लिखता हूँ जिसके वह काबिल है, जो उसके लिए सर्वोत्तम है, जो इंसानों की मेरी आज्ञा न मानते हुए समय की विपरीत करने का प्रयास करते हैं भी अपने विनाश को बढ़ावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में यदि हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही है तो निश्चय ही ईश्वर से हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा है, और आज नहीं तो कल हमें वह चीज़ अवश्य मिलेगा। आज अगर हमारे जीवन काल में अंधेरा है तो कल हमें नया सवेरा जरूर ही मिलेगा। तो हमें भी ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा रखना चाहिए, इससे ईश्वर वह चीज़ देंगे जो चीज़ हमें पसंद है। जी हाँ दोस्तों, फिर वह चीज़ हमें सर्वोत्तम लगने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ईश्वर के ही समान होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का यह विचार अगर आप सभी को पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपने बहुत ही मेहनत की है, संघर्ष बहुत ही किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए हैं। छोटे मोटे स्रोत आमदनी की आपके बनते भी हैं तो ज़्यादा समय पर वह टिक नहीं पाते हैं, थोड़ा ही दूर आगे चलकर वह फिर से भंग हो जाते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में कला क्लेश का माहौल हमेशा रहता है और ये सभी चीज़ आपको परेशान करके रखी है। आप अपने जीवन में चिड़ से होने लगे हैं, चिंता थकान और इस प्रकार की स्थिति आप सभी के जुनकाल में लगातार चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उदासीन चेहरा आपका हमेशा बना रहता है और ये सारी चीज़ें अजीब सी घटनाएं आप सभी के जुनकाल में हमेशा होती रहती है। आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। यह सब दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है या तो बुरा आत्मा का खेल है जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो अपने लोग होते हैं उन्हीं को हमारा सुख देखा नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुँच ऐसी शक्तियों से होती है जो दूसरों को विनाश कर सकती है, और इन शक्तियों का फ़ायदा उठाकर लोग दूसरों के घर की बर्बादी और परेशानी का न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवनकाल में याद कीजिए कि छोटी सी परेशानी आपके जीवनकाल में जो आई है उससे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आपने पहले एक जो भी अपने जीवनकाल में खुशियों को अर्जित किए थे उन्हें देख कर आपके आस पड़ोस के लोग जलते थे, और दोस्तों आप तब कहते थे कि जलने वाले हैं जलेंगे ही, लेकिन आपके इसी स्वभाव से वे आपके ऊपर इतना चिढ़ गए हैं कि आपकी खुशियां उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, और उन्हीं सब के कारण वही लोग आपको ऊपर इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि ये लोग जो हैं आपके आस पड़ोस के ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको सारी बात बताने वाले हैं, एक एक करके सारे उपाय भी आपको बताने वाले हैं, सब कुछ आपको पता होगा, जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का छाया है या नहीं है। मित्र, सबसे पहले संकेत यह रहेगा कि बने हुए काम बिगड़ने लगना। जी हाँ दोस्तों,
एक अजीब नकारात्मक आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी हाल हमेशा रहेगा। एक नकारात्मकता आपके घर को घर कर बैठी है। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब पैसे कमाने की कोशिश भी करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाए गए पैसा कम पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह दूसरा संकेत रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम पूर्ण जो माहौल है वह कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, एक दूसरे की बातों में हाँ में हाँ किया करते थे, एक दूसरों की बातों पर चला करते थे, वहीं लोग एक दूसरे को एक मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं। अपने अपने काम में लोग चल जाते हैं, उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मेल बैठा कर रखती है, तमाम बुराइयाँ बैठा कर रखती है कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जाले लग जाते हैं, तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह बनाने लग जाते हैं। यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि दोस्तों आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहली शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आपके घर के सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसा कि किसी ने जान सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना भी पानी देना, खाद भी देना, कितना भी पौधों पर आप अपना मेहनत लगाना, लेकिन वह पौधा हरा भरा होने के बजाय सूखता ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह है आपने पाल रखा है, तो वह कुत्ता भी आप देखेंगे कि कोने में जाकर बैठा हुआ है, सिमट कर बैठा हुआ है, और आपको इन सब संकेतों को देखकर समझ में आ जाएगा कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का छाया है। आपके घर में जब कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपकी सेवा करने की खूब कोशिश रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे निकल जाएगा। जिसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़ेगी भी नहीं, सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला यह संकेत रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेंगी। ऐसा होगा जैसे आपका नया कपड़ा कुछ ही ना किया हो और दोस्तों फिर भी उनका धागा निकलने लगेगा, फटने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। इस उपरांत पति पत्नी के बीच आपसी संबंध में मधुरता नहीं रहेगी। बात बात पर झगड़े होने लगेंगे और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के दौर पर शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे से आरोपों को थोपने लगेंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी श्वास लेकर जीरो हो जाएगा और कर्ज आपको चारों तरफ से घेर लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ऐसी घटनाएं घट रही है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का छाया है, जो न केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर में घर बनाकर बैठा हुआ है। दोस्तों तब आपको समझ आ जाएगा कि हमें इस आत्मा से छुटकारा चाहिए और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बेहद ही सरल और साधारण उपाय है। धीरे धीरे आपको इनसे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटके से तो नहीं होगा लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कमज़ोर होती जाएंगी। तो उपाय पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है और पूरी बात को आपको समझने का प्रयास करना है। जी दोस्तों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जलाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आप कपूर जलाते हैं तो जो थाली है वह साफ सुथरा होना चाहिए, वह थाली पित्तल का होना चाहिए। जी दोस्तों, और अपने घर के चारों तरफ गंगा जल का आपको छिड़काव करना चाहिए। जी दोस्तों, जब भी आप गंगा जल का छिड़काव करें तो सबसे पहले आप अपनी शुद्धता का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि सुबह उठें और गंगा जल लेकर आप चारों तरफ इनका छिड़काव कर दें। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको नहा धोकर खुद को शुद्ध करना है
और उसके बाद आप गंगा जल लेकर अपने घर के चारों तरफ छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ एक नारियल अर्पित अवश्य करना है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपको किसी के ऊपर शक होता है तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण वहाँ पर जरूर कीजिएगा जब भी आप महाबली हनुमान जी को नारियल अर्पित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है, नित्य शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, हमें जो भी ऐसी क्रिया करते हैं, जो भी हमें कहते हैं कि हम यह क्रिया कर रहे हैं, हमने देखा है उनके जीवनकाल में बदलाव हुए हैं। और दोस्तों ऐसा अगर आप भी करेंगे तो धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमज़ोर होने लगेंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शनिवार के दिन माता काली के मंदिर में आपको जाना है और इसके साथ आपको एक गुलाब के फूल भी वहाँ लेकर जाना है और माता रानी को अर्पित कर देना है। इसके साथ आपको 21 बार ओम क्लीम इस मंत्र का जाप करना है और दोस्तों इसके बाद एक फूल को 7 पत्ते तोड़कर अपने घर के अपनी पूजा घर में रख देना है और इसे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमज़ोर होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि तरीके आप सभी के जीवनकाल में बहुत है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि आपके ऊपर काम क्रिया हुई है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा मैंने आपको तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो उपाय बेहद ही सरल है दोस्तों, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। जी हाँ दोस्तों, उपाय जितना सरल होगा, जितना धैर्य होगा, उतना ही अधिक वह शक्तिशाली होगा। तो दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप इस प्रकार के उपाय करते हैं तो इन सभी की जानकारी आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। जी दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का यह एक बहुत ही बड़ा नियम है कि जब भी व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, कोई भी पूजा पाठ करता है, कोई भी उपाय करता है, अगर उसकी जानकारी किसी अन्य को देता है तो उनका जो भी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, उनका फल उन्हें प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको इन सभी बातों का भी ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, या फिर जो लोग प्राचीन काल से उन्हें यह चीज़ पता होगा कि जब भी लोग अपने घर से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कार्य करते हैं तो हमेशा रात में करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को पता ना चले। तो दोस्तों बस आपको ये क्रिया करना है, ये उपाय करना है, ये इसके लिए आपको बस इतना करना है कि किसी को भी नहीं बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों अब बात करते हैं उसकी जिसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की है और दोस्तों आपको बर्बाद करने का पूरा अंजाम किया है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई पराया नहीं है दोस्तों, यह आपका अपना ही इंसान है, यह आपके आसपास के ही हैं, इसे आपके बारे में सब कुछ पता है, यह आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित है और आप भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। हम आप सभी को बताने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, अक्षर नहीं, उसके नाम का पहला अक्षर। इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि वह कौन सा इंसान है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके आसपास के हैं। और दोस्तों इस तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता चल जाएगा यही इंसान है, क्योंकि यह थोड़ा बहुत तांत्रिक क्रिया तो लोगों के ऊपर बहुत किए हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति की बुरी नज़र होती है, जिसको एक बार देख ले उनके ऊपर नज़र अवश्य लगती है। तो दोस्तों आप सभी को अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तभी आप इस विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको इन सभी चीज़ों से, इस बुरी आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। आपने कई बार कहानियाँ सुनी होगी कि कई लोग अमीर और कितने भी शक्तिशाली होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत हुई होगी और एक समय वह आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियाँ रहने वाले ही नहीं बचे। दोस्तों तो आपको भी अपने जुनकाल में बुरे लोगों से सावधान रहना है। जो भी आपको लगती है कि यह इंसान बुरा है तो इनसे आपको सावधान रहना है। दोस्तों अंत में हम आपको एक संकेत बता दें कि यह इंसान कौन हो सकता है। तो दोस्तों इस इंसान का नाम का पहला अक्षर यह है, अंग्रेजी के स्रोतों में हम बता रहे हैं दोस्तों, अंग्रेजी के पहला अक्षर PNRSTM
एल। दोस्तों ये नाम है और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यह व्यक्ति आपके घर से पूर्वी या फिर पश्चिमी दिशा में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ही कम लोगों के ऐसे होंगे जो कि उत्तरी भाग में भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दक्षिण भाग के आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तीन कोनों में या लोग हैं जो आपके ऊपर हमेशा तांत्रिक क्रिया करते हैं, आपके कार्यों से जलते हैं, आपके जीवन काल में अच्छे जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें हमेशा विघ्न बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों इन सभी लोगों से आपको सावधान रहना है। और दोस्तों आपको अंत में एक और भी मंत्र बता देते हैं कि जब भी आप इन लोगों से परेशान होते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है कि यही इन्हीं में से कोई लोग हैं, तो आपको इन सभी का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और दोस्तों आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और इसी बीच में 108 बार श्री राम जी का भी नाम लेना है। और इसी बीच आप इस औरत या फिर इस पुरुष का नाम लेकर हनुमान जी को यह बात कहें कि हे प्रभु, संकटों की निदान करने वाले महाबली हनुमान जी, हमारे कष्टों में विघ्न बाधाएं पैदा करने वाले इस नाम की यह इंसान हमारे जीवन काल को बिल्कुल ही तबाह करके रखा है, आप ही अब हमें इनसे छुटकारा दिलाइए। और दोस्तों इन्हें कहकर आपको महाबली हनुमान जी के मंदिर से जो सिंदूर है उनका एक टीका आपको अपने ऊपर लगा लेना है। और दोस्तों यकीन मानिए, आने वाले 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे महाबली महाबलशाली हनुमान जी की शक्ति, उस व्यक्ति का विनाश होना शुरू हो जाएगा। जहां वह लाभ के तैराकी पर उड़ रहे थे, वह धीरे धीरे बुराई के खाई में गिरेंगे और आपके जीवन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो उपाय हैं बहुत ही प्रसिद्ध उपाय हैं, गुप्त उपाय हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल ही ध्यान से करना है। और जब भी आप उपाय कीजिएगा तो दोस्तों पूरी तरह से आपको शुद्ध होकर ही करना है। जी हाँ दोस्तों, तामसी भोजन का उपयोग आपको भूलकर भी नहीं करना है। जब भी आप ये उपाय करें उससे 7 दिन पहले ही तामसिक भोजन छोड़ दें। तामसिक भोजन का मतलब यह होता है कि मांस मछली मदिरा दारू शराब कुछ भी आपको नहीं करना है। पूरी तरह से शुद्ध होकर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धता का ध्यान रखकर भी आप अगर ये उपाय करेंगे तभी ये आपके ऊपर काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर ये बातें सही लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर ही एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जी हाँ गुरु जी, आपने जो बात बताए हैं ये हमको बिल्कुल ही सही लगा है, यही हो सकता है। जो भी आपके मन में हो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।